खर्च नहीं लगता है सर जैसा आपका लगता है। तो सर आपसे गुजारिश है कि खर्च में एक गाना कोई आप एक लाइन गाकर बताए। रफी साहब के गीत गाना और लोहे के चने चबाना उसमें कोई फर्क नहीं है। उनका गाना लगता है कि बहुत आसान तरीके से हम गा देंगे, लेकिन जब गाने बैठते हैं दोस्तों तो नहीं नहीं सही बात है, सब हवा निकल जाती है। बहुत क्या बात है निधा भाई, बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है यार। रफी साहब को आपने एक वो दी खराज तहसीन, खराज तहसीन पे। क्या बात है, क्या रफी साहब ने खराज तहसीन। जी 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 जी। और भी दूसरे कोई गीत गाएंगे कुछ आसिफ भाई, कुछ और भी गीत गा। और अकरम सर मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप भी दो लाइन कुछ हारमोनियम बजा कर गाए बिना ताल के। मैं तो गा नहीं सकता, लेकिन आपको जो बेस है सर, खर्च का जो बेस है, वक्त यकीनन हमारा खर्च नहीं लगता है सर जैसा आपका लगता है। तो सर आपसे गुजारिश कि खर्च में एक गाना कोई आप एक लाइन गाकर बताए। रफी साहब के गीत गाना और लोहे के चने चबाना। रफी साहब के गीत गाना और लोहे के चने के चबाना ना बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। उनका गाना लगता है कि बहुत आसान तरीके से हम गा देंगे, लेकिन जब गाने बैठते हैं दोस्तों तो नहीं नहीं सही बात है, सब हवा निकल जाती, बहुत मुश्किल हो जाता है रफी साहब को फॉलो। वो एक कुदरती बात थी, रफी साहब को अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने, गॉड गिफ्ट हो जिसको कहना चाहिए, रफी साहब को ऊपर वाले ने दिया था। वो कितनी भी कोशिश कर ले दोस्तों वो बात नहीं आती, चाहे कितना भी राग रागनी में खेले, सही है, लेकिन सही है। रफी साहब को वो टच भी नहीं करके आते। हकीकत हमारे आसिफ भाई आज 40 सालों से गीत गा रहे हैं, लेकिन बस एक कोशिश कर रहे हैं रफी साहब को छूने की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूर है रफी साहब जी, अभी तक उनकी साया भी नहीं दिख रहा उनको। जी जी जी, बहुत दूर से उनको वैसा लग रहा है एक झलक सी, लेकिन वो टच करना तो बहुत बड़ी बात है जी जी जी। रफी साहब, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ आसिफ भाई? नहीं जी जी, हकीकत बात बड़े साहब, कोशिश कर रहा हूँ 30-40 साल होगा मुझे, लेकिन नहीं छू पाता मैं रफी साहब को। लोग बोलते भी आसिफ भाई आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी जी। रफी साहब, रफी साहब है। कल हम लोग बैठे थे, कौन सा गा रहे थे अपन, वो तू गंगा की मौज मैं जमुना का धारा। जी जी जी, तो हम आलाप नहीं निकाल पाए। ओ हो हो, रफी साहब का जो आलाप है क्या बहुत अच्छा आलाप है, अकेली मत जाइयो अकेली, तो वो नहीं यार नहीं कर पाते। हमारे पास इतने सीनियर आते आर्टिस्ट, तो वो जो है ना नहीं कर पाते, भी नहीं आ पाती बिल्कुल, वो हरकतें हैं जो है ना वो नहीं आ पाती। गंगा की मौज
का धारा तो गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा मझदार मैं हूँ मझदार मैं तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं पतवार मैं हूँ चलेगी अकेले ना तुमसे नैया ना तुमसे नैया ये हमारा तुम्हारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ चलेगी अकेले ना तुमसे देखो भाई मैंने भी रफ़ी साहब को एक खराज तहसीन पेश किया हूँ थोड़ा बहुत क्या मेरा तो गला चलता नहीं लेकिन सर सुर में थे आप ठीक है अच्छा है अच्छा लगा कोई बात नहीं लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की आपने बहुत मुश्किल अंतर है वो आप लोग भी भाई हमें मत लाइक कीजिए रफ़ी साहब के गीतों को लाइक कीजिए भारत रत्न अवार्ड देने की ओट के अंदर बिल्कुल भी आप और आपने 10,000 लाइक करे दोस्तों मैं सिर्फ 1,000 लाइक चाह रहा हूँ कि हमको हमारे गानों पर आप 1,000 लाइक दे दो यस 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 बहुत हो जाएगा चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद